गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने वॉयस का चैप्टर पढ़ा था और उस चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बचे हुए हैं जिनको आज हम पढ़ेंगे। तो आइए हैं एक बार फिर से जो है वॉयस के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वॉयस में हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉयस में कन्वर्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंस आपको मिलने वाले हैं जो हुज से स्टार्ट होंगे या हो सकता है कि हुज से स्टार्ट हो। लेकिन इन सेंटेंसेस की खास बात ये है कि इनके बाद में यहाँ पर एक नाउन लगा हुआ होगा। उस नाउन को आप देखें, ये जो नाउन होगा ये इम्पॉर्टेंट रोल में रहता है, इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए क्योंकि इस नाउन का नंबर कभी सिंगुलर होगा और कभी प्लूरल होगा। तो जब ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो हम इसके नंबर को चेक कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अगले टेंस से वर्ब लाई जाती है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि हुज और हुज से जो भी सेंटेंस आपके स्टार्ट होंगे उन सेंटेंसेस में ये जो नाउन होगा यही जो है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, तो इसी को आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आप इसके नंबर को हमेशा ही चेक कर लें, अगर सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब लाएंगे, अगर प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब ले आएंगे। आइए एक दो सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस हमने लिखा हुज नॉवेल डू यू लाइक, ये सेंटेंस छोटा सा है। तो इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो हमें सेंटेंस में वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। तो अब इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो वही बात जो हमने आपको बताई है कि इस इंटरोगेटिव वर्ड के साथ में जो नाउन आया हुआ होगा वो नाउन ही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि यही सेंटेंस का आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने इसका नंबर देख लिया तो इसका नंबर हमें सिंगुलर मिल जाता है। सेंटेंस के टेंस को देखते हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, यानी कि अब आपको जो वर्ब लानी है वो आप कंटिन्यूअस टेंस से लाएंगे। तो इसका पैसिव बनाते हैं, हमने लिखा व्हिच नॉवेल और इसका नंबर आपने देख लिया इज, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लाते हैं लाइक्ड, प्रीपोजिशन लगा दिया और इसके बाद जो है हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस फॉर्म हो जाता है। तो इन सेंटेंसेस को विशेष रूप से आप इनका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। एक और सेंटेंस देखते हैं। हमने कहा हुज पोएम इज सी रिसाइटिंग, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका हुज पोएम इज सी रिसाइटिंग। तो फिर से एक बार देखते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिलता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? ये होगा, इसका नंबर देख लिया हमने सिंगुलर है। तो पैसिव वॉइस बनाना स्टार्ट करते हैं, हुज पोएम इज, कंटिन्यूअस से ही वर्ब आनी है तो इज फिर से आ जाता है, बीइंग
रिसाइटेड और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं बाय हर। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। और आइए अब जो है इम्परेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस देख लेते हैं। पैसिव ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस, तो इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। तो आपकी आसानी के लिए जो है हमने इन सेंटेंसेस को तीन भागों में बांट दिया और हमने नाम दिया इम्परेटिव अफर्मेटिव, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनमें ना तो नॉट का प्रयोग होगा और ना ही नेवर का प्रयोग होगा, उनको हम इम्परेटिव अफर्मेटिव की कैटेगरी में रख लेते हैं। और इन सेंटेंसेस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, सेंटेंस को लेट्स से स्टार्ट करने का कारण है इम्परेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं वो हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं, इसलिए इनका पैसिव भी लेट से ही शुरू किया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर जो है आप ऑब्जेक्ट ले आएंगे और फिर बी वर्ब प्लेस करेंगे और इसके बाद मेन वर्ब का पास्ट पार्ट से पे फॉर्म आपको प्लेस कर देना है। तो इस तरह से आपका पैसिव वॉइस फॉर्म हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी में हमने क्या किया, ऐसे सेंटेंसेस को रखा जो निगेटिव होते हैं। इम्परेटिव होने के साथ साथ वो निगेटिव भी होते हैं। प्रायः ही आपको देखने को मिलेगा ऐसे सेंटेंस डू नॉट से शुरू होते हैं या नेवर से शुरू हो जाते हैं। तो इनका जब पैसिव बनाते हैं हम तो बहुत अलग कार्य आपको नहीं करना है। फिर से लेट लाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लाते हैं, फिर या तो नॉट आपका आ जाएगा या आपका नेवर आ जाएगा और इसके बाद जो है बी वर्ब आ जाएगी और फिर से मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रख दिया जाएगा। तो इस तरह जितने भी इम्परेटिव निगेटिव सेंटेंस होंगे उनका पैसिव वॉइस आप आसानी से बना सकते हैं। तीसरी कैटेगरी में हमने ऐसे सेंटेंसेस को रखा जो रिक्वेस्ट को डिनोट करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस आप पहले देख भी चुके होंगे और बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर जो रिक्वेस्ट को डिनोट करने वाला शब्द होगा या तो आपको प्लीज मिलेगा या आपको काइंडली मिल जाएगा और इसको जो है आप रिमूव करके क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे और इसको वहाँ से आप ओमिट कर देंगे, हटा देंगे और आपका पैसिव वॉइस फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से इम्परेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बना लिया जाता है। मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं आपको समझ में आ रहे होंगे और इन्हीं के आधार पर जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आइए कुछ एक उदाहरण देख लेते हैं। हमने कहा ओपन योर नोटबुक, ये पहला सेंटेंस है। तो हमने देखा इसमें निगेशन नहीं है या किसी तरह का रिक्वेस्ट नहीं है,
ऐसे वाइज बनाते हैं लेट योर नोटबुक बी ओपेंड। तो इस तरह से आपका पैसिवाइज बन जाता है। अंत में आपको बाय यू नहीं लिखना है। कारण क्या है कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा हिडन होता है, अंडरस्टूड होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप उसको नहीं लिखेंगे। बाय यू आपको नहीं लिखना है। एक और सेंटेंस देखते हैं। Never beat the poor। ये आपको negative sentence मिल जाता है। Let the poor never be beaten। ये passive voice बन गया। तो निगेटिव सेंटेंस भी आप आसानी से पैसिवाइज में बदल सकते हैं। एक सेंटेंस हमने लिखा, प्लीज हेल्प हिम। अब इसका पैसिव बनाना है तो इसको आप एलिमिनेट कर दें, बन गया यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। तो ये पैसिव वॉइस भी फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से हमने पैसिव वॉइस का चैप्टर जो है फिनिश कर लिया। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से जो है इम्परेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो आज की क्लास ओवर की जाती है। हैव अ नाइस डे।